मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमिका जो डीडी और ऑल इंडिया रेडियो ने निभाई है उसका क्रेडिट भी आज उनको मिला है और लोगों तक सही खबर पहुंचाने का काम भी किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी ये जो भरोसा उनके ऊपर दर्शकों ने जताया है, एजेंसीज ने जताया है, भविष्य में भी वो रहेगा। इनके हजारों स्टिंगर और हजारों जो कर्मचारी दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के हैं वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो समाज की और सरकार की होने वाली घटना और खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और सत्यता के साथ करें। सर, ईडी की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है वो अपने आप में कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है कि जहां एक और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वहीं पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जब काम है उसमें बाधा बनाते हैं। मुख्यमंत्री पांच पांच दिन अपने राज्यों को छोड़कर राजधानी में आकर बैठते हैं,
ये अपने आप में दिखाता है कि दबाव बनाने का काम किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार जो हुआ है एक परिवार एक पार्टी के द्वारा उसको छिपाया जा सके। लड़ाई लोकतंत्र की नहीं, लड़ाई हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को छिपाने की और हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बचाने की है। सर, प्रधानमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, क्या मानते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और आज एक बार फिर देश भर के चीफ सेक्रेटरीज की बैठक करने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आए हैं। उनका बहुत स्वागत अभिनंदन बड़ी गर्मजोशी के साथ हुआ है और ये दो दिन यहाँ पर रहकर देश भर में जो सभी राज्य की सरकारें हैं वो कैसे एकजुट होकर अच्छा काम कर सके, केंद्र की योजनाएं राज्य की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक कैसे पहुंचे, नागरिक तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर बाकी सब बातें जो करेंगे एक बड़ी बैठक हिमाचल में हो रही है, बहुत बड़ी बात। सर, अग्निवीरों जो योजना है उसको लेकर बड़े स्तर पर देश भर में युवा जो है वो आक्रोशित है, क्या अग्निपथ योजना बहुत लंबी चर्चा के बाद लाई गई है और अग्निवीर की भर्ती करने के लिए एक रास्ता खोला गया है ताकि देश भर के 46,000 ऐसे नौजवानों को देश की सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिले और 46,000 हर साल अगर भर्ती होते हैं तो अपने आप एक बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है कि अगले कुछ वर्षों में भर्ती होगी। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा और जब ये रिटायरमेंट के 4 वर्ष अपना का कार्यकाल पूरा करेंगे तो उसके बाद 25% को वापस 15 साल की सेवा के लिए सेना में रखा जाएगा और जब ये 4 साल के लिए शुरुआत होती है तो 4,70,000 रुपये जहाँ एक और एक साल का मिलेगा, वहीं चौथे साल वो बढ़कर 6,92,000 हो जाता है। 4 साल पूरा करने के बाद लगभग 11 लाख रुपया लमसम पैसा इनको अलग मिलेगा। कोई 10वीं में बच्चा है और वो सेना में भर्ती होता है अग्निवीर बनकर तो 4 साल के बाद उसको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसका स्किल सेट भी पहले से बेहतर होता है। 11 लाख प्लस 4 लाख 4 साल की तनख्वाह मिला के 30 लाख रुपए जो भी बनता है अमाउंट वो भी उसके खाते में आती है, तो एक और देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। वहीं पर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, प्रशिक्षण भी मिलता है और जब 4 साल के बाद वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जाने का निर्णय करता है तब भी उसके पास बहुत सारे अवसर सामने हैं कि अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं और ये बहुत बड़ी सेवा का अवसर देश के लाखों नौजवानों को भविष्य में मिलने वाला है। तो क्या जो दुनिया के बहुत सारे देशों में इसी तर्ज पर योजनाएं चलती हैं, यंग वर्क फोर्स हो, जानदार हमारी सेना और हो, और सेना ने सदा भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, रक्षा की है, सुरक्षा की है, नौजवानों की बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश भर के नौजवान इसमें अपना योगदान भी देंगे और जल्द ही इसकी भर्तियां भी जब शुरू होंगी तो 46,000 पहले ही साल इसमें रखने की शुरुआत कर दी जाएगी। तो क्या युवाओं को जो है समझाने के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक पूरी जानकारी? मुझे लगता है पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और हमारा प्रयास भी यही है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक जानकारी पहुंचाएं, उनको सच्चाई का पता भी चले और कैसे इस योजना का लाभ उनको मिलने वाला है, कैसे उनकी सर्टिफिकेशन से लेके देश की सेना में काम करने से लेके उनका उज्ज्वल भविष्य की ओर भी ले जाने का काम। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी आगे आकर अपनी बात रखी है कि कैसे वो प्राथमिकता देंगे, जो लोग अग्निवीर होंगे उसके बाद उनको जीवन में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों की आई है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में इनके लिए अवसर रहेगा इसके बाद जाकर अपनी सेवाएं देने का भी। आप देख रहे थे लाइव टाइम्स टीवी, हम से अभी हम में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और वो रख रहे थे अलग अलग चीजों को लेकर अपनी बात। थैंक यू।